सीएससी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम चर्चा, जिसमें आज हम कायम रजा खान के साथ में आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां बसपा ने तेज कर दी हैं। करीब 10 साल से सत्ता से दूर रही बसपा फिर सत्ता में आने के लिए अपने अंदर भी बदलाव कर रही है। अभी जिस तरह से राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, उससे ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा लगातार प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कायम रजा खान, जिनको बीएसपी ने लखनऊ की पश्चिम विधानसभा सीट से आपका प्रत्याशी बनाया है। तो कायम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो रजा जी, हम आपकी सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई है, थोड़ा आप हमें उस बारे में बताएं। नमस्कार। हमारा गांव एक है चंदिया मऊ से हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की। ग्राम प्रधान 25 साल से हम रहे हैं वहाँ पे। ये गोमती नगर विस्तार के आगे है और 25 साल से बीडीसी प्रधानी लगातार हम जीतते चले आ रहे हैं, जबकि अकेला घर है हमारा, तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। आगे हमारे बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया तो हम विधानसभा के चुनाव लड़ने चले आ गए। जी अच्छा कायम जी, जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी वाले लगातार रैलियां कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत सारी उन्होंने एक्टिविटी एकदम से तेज कर दी है, तो आपको क्या लगता है, क्या इससे क्या कुछ नुकसान होगा या आपके जो पार्टी है उसको फायदा मिलेगा? देखिए, वो हमारी पार्टी को फायदा मिलेगा इसलिए कि जो रैलियां ज्यादा करता अपने दिखावा करता कि वो सबसे पीछे होता है और जो सबसे पीछे वही ज्यादा हड़दंग हंगामा करता है। हमारी माननीय बहन जी धीरे धीरे जो है अपनी पार्टी को मजबूत कर रही, हम लोग मजबूत कर रही। आज हम लोग को ज़मीन से उठा के आसमान में बिठा दिया, टिकट दे दिया बहन जी ने, तो हम लोग कहीं ना कहीं आगे अपनी सत्ता में माननीय बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा कायम रजा जी, जिस तरीके से अन्य पार्टियां जैसे अभी सपा और सुभाषपा का एक गठबंधन हो गया है, तो उसके चलते क्या लगता है, क्या जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन के चलते क्या उसका असर अन्य दलों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मतलब क्या रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, अब असर कुछ नहीं पड़ेगा। सपा प्रसपा जो है आपसी में लड़ती चली जा रही है, अभी उनका गठबंधन हुआ कहाँ है, अभी होने वाला है लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। अभी तो गठबंधन ओबीसी साहब से भी करने वाले हैं, तो इसका असर हमारी समझ में आता नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी सपा ने मुसलमानों के लिए नुकसान कर दिया है तो मुसलमान को वोट नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको और क्या लगता है कि क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार दो विधानसभा चुनाव की जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है उनमें किन मुद्दों को लेकर बसपा इस चुनाव में उतरेगी? मुद्दे तो देखिए बहुत हैं। 2007 में जब बहन जी ने सरकार बनाई थी तो इतना विकास किया था, इतना विकास, आज 10 साल बीत गए हैं, आप बताइए कहीं पर विकास का नामो निशान नहीं है और सड़कें हर जगह खुदी पड़ी। तो हम लोग का मेन है कि सड़क, पानी, बिजली, मेन समस्याएं जो हैं उसको लेकर हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। जी अच्छा कायम जी, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको एक अच्छा प्रभावी एक नेता के रूप में आपको एक प्रत्याशी के तौर पर वो उतारा जा रहा है, तो इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हम उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तभी तो माननीय बहन जी ने हमें टिकट दिया। और हमारे क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं कि जो पानी अगर बरसात हो जाती है तो पानी कहीं पर निकासी नहीं है, दूसरे लाइट के इतनी जर्जर हालत है, तो वहाँ की पब्लिक बिल्कुल त्राही त्राही कर रही है। तो हमें इसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे कि हम तीन काम जो वहाँ के हमारे क्षेत्र के हैं सबसे पहले जीतने के बाद हम जो है उसी का काम खत्म करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उसमें बसपा किस तरीके से अपना लोहा मनवाएगी, किस तरीके से अपनी जगह बना पाएगी इस बार विधानसभा 2022 में? देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखावा नहीं करती है। 2007 में भी हम लोग कहीं पे नहीं थे और आने वाले जैसे ही 2007 का रिजल्ट आया हमारी बहुमत की सरकार बनी, तो आज भी वही दौर है, क्योंकि जो है हम लोग कहीं अभी दिख नहीं रहे, हम लोग फील्ड में हैं और हम लोग दिखावा वाला काम कम करते हैं, हम फील्ड में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो फील्ड में काम करके हम आगे सरकार बनाएंगे। 2022 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे पांचवी बार। अच्छा कायम जी, जिस तरीके से आपने कहा फील्ड में आप ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन उसी के चलते अगर पूछा जाता है कि अभी जो 2020 से जो कोविड काल एक चल रहा था, उस दौरान आपकी पार्टी की तरफ से किस तरीके से सहयोग किया गया था, किस तरीके की जिम्मेदारियां निभाई गई थी? आप हमारी बहुजन समाज पार्टी ने अभी जो दोनों लॉकडाउन लगे, पहले वाला आप वाला, और उसमें आप क्षेत्र में पता करिए कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने राशन वितरण का काम किया। हर गरीब जनता तक जो है 10-10 दिन के करीब राशन का पैकेज हमने अपने खुद हाथों से बांटा। बस अर्थ ये है कि हमने मीडिया सोशल मीडिया कहीं डाला नहीं, क्योंकि दिखावे से कोई फ़ायदा नहीं, हमें फील्ड में देना है जो बेचारे गरीब हैं। अब हम 2 रुपए चीज़ दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचा के मीडिया पर डाल रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं। हमें ज़मीन पर काम करना है और हर गरीब की मदद करना है। और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप आम जनता के किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने वाले हैं, किन मुद्दों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा, कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिसमें लगता है कि आपको कि ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उस पर आप किस तरीके से काम करेंगी, कैसे आप अपने को एक भावी नेता के रूप में आप अपने आम जनता के सामने आएंगे? आम जनता के सामने तो इस बेस पे आ रहा है कि जो हमारा 25 साल हमारा अकेला घर है वहाँ पे ग्राम चंदियामू में, तो 25 साल से प्रधानी हमारे पास रही, बीडी से रही, तो हमारे काम ही के बेस पे रहे, तो वही चाहेंगे कि हम जो यहाँ की समस्या है हमारे क्षेत्र पश्चिम की है 171 की, तो वो समस्याओं को लेकर हम चुनाव में आ रहे हैं। और सबसे पहले जीतने के बाद हमारी जो समस्या है पानी निकासी, पानी भर जाता है घुटनों तक के जब बरसात होती है, दूसरे बिजली की समस्या है, दिन दिन भर बिजली गायब रहती है, तीसरे पीने के पानी की समस्या है, जो वहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं है, ये समस्याओं को लेके हम चुनाव में मैदान में आ गया रहे जी। अभी फिलहाल कायम जी, जिस तरीके से भी बोला जा रहा है, जैसे अभी एक प्रोपेगेंडा एक बना हुआ है, जैसे मौजूदा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी और तमाम चीज़ों पे बातचीत हो रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है, किस तरीके से आपको लगता है कि मतलब आप उसमें जो लोगों की शिकायतें हैं, आम जनता की जो शिकायतें हैं, और उनको लगता है कि इस तरीके से कि बेरोजगारी बढ़ रही है एंड और महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, खाद्य तेल की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। आप जब तेल 68 रुपए में गैलन था तो वो 65 रुपए में था प्रति लीटर, और आज जब 46 रुपए में है तो 105-106 रुपए में हो गया पेट्रोल, और अरहर की दाल आप बताइए 200 रुपए किलो हो गई, गरीब जनता कहाँ खा पाएगी? आज वो कोरोना काल की वजह से लोग पब्लिक परेशान है हर तरह से, और उसके ऊपर इतनी महंगाई, दाल 200 रुपए, तेल 106 रुपए पेट्रोल, कड़वा तेल 200 रुपए लीटर, क्या करें, जनता मरने के कगार पे है बिल्कुल, क्या करें? नहीं तो इसमें आप अगर आप अभी भावी नेता के रूप में आप आते हैं सामने, तो आप इस पे क्या करने वाले हैं, आप किस तरीके से एक आम जनता और सरकार के बीच में एक सामंजस्य बनाएंगे, किस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे? अब हम तो यही पूरी कोशिश करें कि हमारी जनता खुशहाल है, और माननीय बहन जी अगर सरकार बनाती हैं 2022 में, तो जो ही रेट सब भागे हुए हैं, ये बहन जी माननीय बहन जी हर चीज़ के रेट बिल्कुल अपनी जगह पर ला के खड़ा कर देंगे। और हमारे आयरन लेडी बहन जी माननीय बहन जी वो इसी पे जानी जाती हैं अपने काम के बल पे। बाकी कायम रजा जी, और आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा आप लोग सहयोग करिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी का सहयोग करिए, और माननीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाइए, तो फिर आप उनके कार्य करने का तरीका और लाइन ऑर्डर वगैरह सब जानते ही हैं आप। हम यही चाहेंगे हमारी बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कायम रजा खान जी, आप हमारे प्राइम चर्चा में अपना समय देंगे, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ पश्चिम विधानसभा से प्रभारी प्रत्याशी कायम रजा खान, जिनसे हमने प्राइम चर्चा में बात की, वो किस तरीके से अपने दावेदारी को मजबूत करेंगी बसपा पार्टी के माध्यम से, आने वाला 2022 विधानसभा चुनाव क्या इनके हित में होता है क्या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्राइम चर्चा में बस इतना ही, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगी।
है।